ले लीजिए मैम आपका पिज्जा। मैम आपके वॉशरूम का नल ठीक कर दूं जो खराब है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे वॉशरूम का नल खराब है? अरे मैडम मुझे पता है आपके वॉशरूम का नल खराब है, मैं ठीक कर देता हूँ ना। अजीब बात है, मैंने तो प्लम्बर को कॉल किया था कि वॉशरूम का नल खराब है आके ठीक कर जाए, पर तुम्हें ये चीज कैसे पता? एक्चुअली जो प्लम्बर आने वाला था ना वो मेरा दोस्त ही है, उसने बोला कि तू पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है तो जाके तू ठीक कर देना, नल को थोड़ा कसना ही होगा तो मैं ठीक कर। बहुत अजीब बात है, तुम पिज्जा डिलीवरी का काम करते हो तो मैं प्लम्बर का काम भी आता है? हाँ जी आता है। आओ तुम भी कर दो ठीक। घटिया इंसान, कितने बदतमीज हो तुम, मेरे वॉशरूम में कैमरा लगा रहे हो ताकि मेरी वीडियोस बना सको और मुझे वायरल कर सको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़की की इज्जत नीलाम करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक ना रहूं? अरे क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, फिर देखना तुम्हें जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी मृदुला महाजन नहीं। अरे मैडम शांत शांत, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपके वॉशरूम में कैमरा लगा नहीं रहा था बल्कि कैमरा हटा रहा था। कैमरा हटाने, ये सब क्या ड्रामेबाजी है? मैडम दो दिन पहले आपके घर प्लम्बर आया था ना नल ठीक करने। हाँ वो आया तो था लेकिन वो नल फिर से खराब हो गया, तभी तो उसे कॉल किया था कि नल दोबारा ठीक करके जाए, पर उस चीज का इस चीज से क्या लेना देना है? देखो मुझे ना सच में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, मैं पुलिस को ही बुलाती हूँ, वही सच निकलवाएगी। मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो प्लम्बर आने वाला था वो आपका नल ठीक करने नहीं बल्कि इस कैमरे में बनी आपकी अश्लील वीडियो को लेने आने वाला था। अरे हाँ हाँ, बी ब्लॉक हाउस नंबर 64 में जाने वाला हूँ, मेन साहब का कॉल आया था कि नल फिर से खराब हो गया। नल तो ठीक तब होगा ना जब मैंने ठीक किया होगा, मैं जानबूझ के ना परसों नल ठीक करके ही नहीं आया था, वो थोड़ा बहुत टेम्परेरी करके आ गया था कि वो दोबारा खराब हो जाए, और साथ के साथ वॉशरूम में कैमरा भी लगा के आया था ताकि मैडम की अश्लील वीडियो बन जाए उसमें। उनका कॉल है, जाता हूँ उस घर में और नल ठीक करने के बहाने ना वो कैमरा उठा के ले आता हूँ। मुझे पक्का पता है परसों से लेके आज तक वो दो तीन बार तो वॉशरूम में नहा ही चुकी होगी और मैडम की नहाते हुए की वीडियो भी बन चुकी होगी। जाके कैमरा लेके आता हूँ और तुझे वो वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो को बेच के ना लाखों रुपए कमाएंगे लाखों रुपए। हाँ चल फोन रख मैं आता हूँ। अरे ये तो उसी घर की बात कर रहा जहाँ मैं पिज्जा देने जा रहा हूँ। कितना कमीना इंसान है ये, किसी लड़की की अश्लील वीडियो बनाना चाहता है। इससे पहले कि ये वहां पहुंचे मैं वहां पहुंच जाता हूं और उस कैमरे को ले लेता हूं। मैडम अगर मुझसे पहले वो आ जाता तो इसमें बनी आपकी नहाते हुए की वीडियो को ले जाता और वायरल कर देता, वायरल करके आपको बदनाम कर देता। बस मैं यहाँ पे इसीलिए आया ताकि आपकी इज्जत बचा सकूं। क्या सच में? सॉरी भैया, मैंने आपको कितना गलत समझा और कितना कुछ सुना दिया, पर गलत आपने, गलत तो वो प्लम्बर वाला था जो मेरे वॉशरूम में से कैमरा सेट करके गया था। आने दो उसे, पुलिस को बुलाती हूँ और उसे जेल भिजवाती हूँ मैं। बिल्कुल सही मैडम, आप यही कीजिए, ये लीजिए कैमरा और इसको तोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच भैया, आज के जमाने में किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, फिर भी आपने अनजानों की मेरी मदद की इतनी बड़ी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैडम जी औरतों की इज्जत करना हर एक मर्द का काम होता है, बस आप अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ। दोस्तों जरूरी नहीं कि जो चीज गलत दिखाई दे वो हमेशा गलत ही हो, कभी कभी वो आपकी भलाई के लिए भी हो सकती है। किसी भी बात के नतीजे पर पहुंचने से पहले ना उस बात की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।